Dear students, welcome in the lecture on metal carbonyls. And in this lecture, we will discuss about the vibrational spectra. And again, we are discussing about the number of peaks in trigonal bipyramidal carbonyl complexes. तो बच्चों आपका स्वागत है मेटल कार्बोनिल के इस लेक्चर में जहां पर हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को ही फर्दर आगे बढ़ाएंगे. और अगेन इससे पहले जो हमने लेक्चर पढ़ा था वहां पर हमने पढ़ा था कि कैसे नंबर ऑफ पीक्स जो हैं दैट आर अफेक्टेड बाय द सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की सिमेट्री के आधार पर कितने कार्बोनिल्स हैं, किस तरीके से अरेंज हैं, उसके आधार पर हमने देखा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कितने कितने पीक्स आएंगे. तो उसी तरीके से अब हम देखेंगे कि अगर एक ट्राइगनल बाईपिरामिडल कॉम्प्लेक्स होगा तो वहां पर नंबर ऑफ पीक्स कितने आएंगे उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो आपने देखा कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं. तो वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो बताता है अबाउट दी ज्योमेट्री ऑफ दी मॉलिक्यूल्स. यानी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है बच्चों 5 कोऑर्डिनेटेड मॉलिक्यूल्स. और 5 कोऑर्डिनेटेड मॉलिक्यूल्स जहां पर हम ट्राइगनल बाईपिरामिडल कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे. तो यहां पर जो हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे वो ट्राइकार्बोनल ट्राइगनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री है. आप देखिए ये एक ट्राइगनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री है जहां पर 3 कार्बोनिल एटम्स हैं. तो ये 3 कार्बोनिल ग्रुप्स जो है वो कहाँ पर हो सकते हैं, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है कि 2 कार्बोनिल एक्सियल पोजीशन पर हो और 1 इक्वेटोरियल पोजीशन पर हो, या फिर हो सकता है कि 2 कार्बोनिल इक्वेटोरियल पर और 1 एक्सियल पोजीशन पर हो. तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं कार्बोनिल्स को अरेंज करने की. अगर आप इसके इस ज्योमेट्री के पॉइंट ग्रुप को देखेंगे तो ये D3H है, आप देख रहे हैं बिल्कुल कार्बोनिल इस तरीके से अरेंज हैं जैसे BF3 में अरेंज होते हैं. सारे के सारे जो एटम्स या ग्रुप्स हैं वो एक प्लेन में है. यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो सिमेट्री होगी वो C2 सिमेट्री होगी, बिल्कुल C2V की तरह. आप देखिए यहाँ से अगर हम इसको H2O टाइप थोड़ा बेंड कर दें इन दोनों मॉलिक्यूल्स को तो ये C2V सिमेट्री होगी. और ये जो सिमेट्री है ये सिमेट्री कहलाती है CS सिमेट्री. और जो CS पॉइंट ग्रुप होता है वहां पर क्या होगा, कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होगा, केवल उसमें एक मिरर प्लेन होगा. मिरर प्लेन कहां पर होगा, देखिए ये कार्बोनिल है और इन दोनों कार्बोनिल के बीच में से होता हुआ जो प्लेन जाएगा वो मिरर प्लेन होगा. तो इसमें केवल एक ही सिमेट्री एलिमेंट होगा, दैट इज मिरर प्लेन. आइडेंटिटी तो सब में होती है, इसलिए इसमें जो पॉइंट ग्रुप है वो क्या है, CS है. तो अब हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1. तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं D3H जिसमें पॉइंट ग्रुप था वो कौन सा कार्बोनिल था, जहां पर आपने देखा कि तीनों के तीनों कार्बोनिल कहाँ पर अटैच थे, इक्विटोरियल पोजीशन पर. देखिए इस तरीके से अरेंज थे. अब इसमें हम डिफरेंट जो और जो ऑपरेशंस हैं उनको हम अप्लाई करके देखेंगे. और इनको जब आप अप्लाई करेंगे तो आप कैसे इनको अप्लाई करेंगे, देखिए पहले तो हमने यहाँ पर क्या लिखी है, करेक्टर टेबल लिखी है. इस करेक्टर टेबल के मैंने वही फंक्शंस यहाँ पर लिखे हैं जो कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को शो करते हैं XYZ. तो ये XY कहाँ पर है, E- रिप्रेजेंटेशन के लिए है, और Z कहाँ पर है, A2" के लिए. अब हमको क्या देखना है, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फॉर D3H जब ये 3 कार्बोनिल इक्विटोरियल पोजीशन पर होंगे. तो व्हेन वी अप्लाई आइडेंटिटी जब हम अप्लाई करेंगे तो तीनों के तीनों कार्बोनिल अनशिफ्टेड होंगे. तो अनशिफ्टेड जो ग्रुप्स हैं वो कितने हो गए, 3, जितने कार्बोनिल होंगे उतने अनशिफ्टेड होंगे. ओके, अब हम देखिए यहां से इसमें अप्लाई करते हैं C3. तो अगर हम यहां से इसको रोटेट करेंगे तो आप देखेंगे कार्बोनिल अपनी पोजीशन चेंज कर देंगे. तो कार्बोनिल अपनी पोजीशन चेंज कर देंगे, ऑल दी कार्बोनिल ग्रुप्स दे चेंज देयर पोजीशन, सो नो अनशिफ्टेड कार्बोनिल विल बी देयर. सो 0 C3 इज 0, C3 क्या हो जाएगा, 0. जहां पर कोई भी अनशिफ्टेड कार्बोनिल नहीं होगी वहां पर क्या आ जाएगा, 0. नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट अगर मैं यहां पर देखूं कि ये देखिए C2, अगर मैं यहां से इसको 180 से रोटेट करूं तो 180 से अगर रोटेट करूंगी तो क्या होगा, ये वाला कार्बोनिल तो अपनी जगह पर रहेगा लेकिन ये दोनों कार्बोनिल अपनी पोजिशन चेंज करेंगे, इसलिए एक अनशिफ्टेड कार्बोनिल होगी. चाहे मैं यहां से अप्लाई करूं, चाहे मैं इधर से भी अप्लाई कर सकती हूँ, C2 में यहां से भी अप्लाई कर सकती हूँ और C2 में यहां से भी अप्लाई कर सकती हूं. तो आप देखेंगे कि अगर मैं यहां से C2 अप्लाई करूंगी तो ये वाला कार्बोनिल अपनी जगह पर रहेगा और ये 2 कार्बोनिल क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएंगे. तो अगर मैं C2 अप्लाई करूंगी, ये क्या है बच्चों, C2,
तो अगर C2 अप्लाई करेंगे, ये C2 है, तो क्या होगा कि एक कार्बोनिल अनशिफ्टेड रहेगा, तो एक कार्बोनिल कैसा है, अनशिफ्टेड। अब मैं इसमें एक सिग्मा एच अगर अप्लाई करूं, तो अगर मैं इसमें सिग्मा एच अप्लाई करूंगी, सिग्मा एच क्या है बच्चों, सिग्मा एच है जिस प्लेन में M है और तीनों कार्बोनिल है, तो अगर मैं इसमें सिग्मा एच अप्लाई करूं जो कि सिग्मा एच है जिसको मैंने ब्लू से दिखाया है, तो तीनों के तीनों कार्बोनिल क्या है, अनशिफ्टेड है, तो इसलिए सिग्मा एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। S3 जो है वो 0 आएगा यहां पर, क्योंकि जैसे ही हम C3 अप्लाई करेंगे तो वैसे ही आप देखेंगे कार्बोनिल की पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो इसलिए S3 भी क्या आएगा, 0 आएगा। और सिग्मा V को अगर हम देखें तो इसमें सिग्मा V क्या है बच्चों, सिग्मा V वाला जो प्लेन है वो कौन सा प्लेन है, देखिए ये प्लेन है सिग्मा V जो कि एक कार्बोनिल से होता हुआ जाएगा, ये प्लेन अगर मैं इसको, ये C3 एक्सिस से होता हुआ जा रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक कार्बोनिल जैसे C2 जाता है उसी साइड से क्या जाता है, सिग्मा V, तो एक सिग्मा V ये है, दूसरा सिग्मा V इस कार्बोनिल के थ्रू जाएगा और तीसरा सिग्मा V इस कार्बोनिल के थ्रू जाएगा, इसलिए एक कार्बोनिल सिग्मा V में अनशिफ्टेड रहेगा, बाकी दो कार्बोनिल क्या होंगे, शिफ्टेड रहेंगे। तो जब भी मैं सिग्मा V देखूंगी तो मैं वहीं से उसको देखूंगी जहां से मैं C2 एक्सिस उसमें अप्लाई कर रही हूं, तो C2 एक्सिस में एक कार्बोनिल अनशिफ्टेड है, इसलिए सिग्मा वी में भी एक कार्बोनिल क्या होगा, अनशिफ्टेड होगा, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब हमें इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, हमारे पास करैक्टर टेबल है, देन वी कैन रिड्यूस दिस रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इनटू इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, तो इनको हम इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर ऑर्डर कितना है, देखिए ऑर्डर कितना है, ये टू C3 है और ये 3 C2 है, ये 2 S3 है और ये 3 σV है, तो ये कितने हो गए टोटल, देखिए ऑर्डर हो गया 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया बच्चों, 12। तो पहला मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगी, जो अगर मैं A3 के लिए A1' के लिए कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या होगा, देखिए A1', तो इसके लिए जो ऑर्डर है वो कितना आपने कैलकुलेट किया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 12 बॉन्ड ऑर्डर है। अब आप देखिए 1 × 3 × 1, 1 × 3 × 1, ओके, एक ही हो गया, प्लस 0 × 1 × 2, तो कितना आ गया, 0 आ गया, 1 × 1 × 3, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा, देन 1 × 3 × 1, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, देन 1 × 0 × 2, कितना आ जाएगा, 0, प्लस 1 × 1 × 3, तो कितना आ जाएगा, 3, सो ये कितना आ गया, देखिए इज इक्वल टू 1, कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। इसका मतलब एक रिप्रेजेंटेशन कौन सा पॉसिबल है, A1', तो A1' मैंने यहाँ पे लिखा है, बाकी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि एक इसमें और इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आएगा जो कि E' होगा, तो E' और A1', ये दो रिप्रेजेंटेशन हमें मिलेंगे, इनमें से आप ये देखिए कि किस E' या A1' में किस में XYZ लिखा हुआ है, तो A1' में तो नहीं लिखा है, E' में लिखा है, और A2' में लिखा है, A2' यहाँ है नहीं, तो E' जो है वो उसकी वजह से कितने पीक आएंगे, एक पीक आएगा, तो इसलिए अगर 3 कार्बोनिल है इक्विटोरियल पोजिशन में तो कितने पीक आएंगे बच्चों, एक पीक आएगा IR स्पेक्ट्रा में। अब देखिए हमें दूसरा पॉइंट ग्रुप भी पता है, दूसरा पॉइंट ग्रुप हमें किसका पता है, देखिए एक M है और एक CO जो है वो देखिए इस तरीके से है, दूसरा CO यहाँ है और तीसरा CO यहाँ है और ये L ग्रुप है, तो हमें केवल कार्बोनिल ग्रुप से मतलब है, तो इस केस में जो पॉइंट ग्रुप होगा वो C2 होगा। अभी जो 3 CO हैं, अगर मैं इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करूँ तो तीनों CO की जो अनशिफ्टिंग है वो रहेगी, इसलिए E क्या आ जाएगा, 3, तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि E उतना ही रहेगा जितने इसमें कार्बोनिल ग्रुप्स लगे हुए होंगे। अब मुझे इसमें C2 अप्लाई करना है, तो अगर मैं इसमें C2 अप्लाई करूंगी तो C2 अप्लाई करने से क्या होगा, देखिए यहां से अगर मैं C2 अप्लाई करूं तो जब मैं C2 अप्लाई करूंगी तो देखिए ये कार्बोनिल तो अपनी जगह पर रहेगा लेकिन ये कार्बोनिल और ये कार्बोनिल अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, सो 1 कार्बोनिल विल बी अनशिफ्टेड, तो C2 क्या आ गया, 1 आ गया। और अगर आप देखेंगे सिग्मा वी भी यहीं से जहां से C2 गया है वहीं से क्या होगा, सिग्मा वी भी होगा, सिग्मा वी इस तरीके से अप्लाई होगा ये, तो जो सिग्मा वी है वो इस CO और इस M से होकर जाएगा, तो बाकी जो दो कार्बोनिल है उनकी पोजीशन शिफ्ट होगी लेकिन इस कार्बोनिल की पोजीशन शिफ्ट नहीं होगी, इसलिए ये कितना होगा बच्चों, 1, एक कार्बोनिल अनशिफ्टेड है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी।
अब देखिए इसमें एक सिग्मा भी और है, एक सिग्मा भी और है, वो सिग्मा भी क्या है, वो सिग्मा भी है कि ये जो सिग्मा भी है वो तीनों कार्बोनिल से होता हुआ जाएगा। आप ये देखेंगे कि ये देखिए ये जो सिग्मा भी है वो इस सिग्मा भी के तरह इसके परपेंडिकुलर से आपको दिख रहा है, तो इस वाले प्लेन में ये तीनों कार्बोनिल आएंगे, तो ये तीनों जो कार्बोनिल हैं दे रिमेन अनशिफ्टेड, इसलिए थ्री इसकी वैल्यू क्या होगी, थ्री होगी। तो जितने अनशिफ्टेड कार्बोनिल ग्रुप्स होंगे वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, ये करेक्टर टेबल है। नाउ आप जानते हैं कि सी टू भी अगर करेक्टर टेबल होगी तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 1 2 3 4, फोर ऑर्डर होगा। तो हम एक कैलकुलेट करके देखते हैं, अगर मैं ए वन के लिए कैलकुलेट करके आपको दिखाऊँ तो 1/4 इज द बॉन्ड ऑर्डर। एंड अब देखिए आप ए वन के लिए मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, सो 3 × 1 × 1, तो ये कितना आ गया 3, प्लस 1 × 1 × 1, तो ये कितना आ गया 1, देन प्लस 1 × 1 × 1, देन 1, एंड देन प्लस 1 × 3 × 1, तो ये कितना आ गया 3, तो ये कितना आ गया बच्चों 2। इसका मतलब कितने ए वन है, 2A1 है, देखिए 2A1 आ गए। तो इसी तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि A2 और B1 जो है वो 0 आएंगे, जबकि B2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। इसलिए आप देखेंगे जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है वो कितने होंगे, 2A1 एंड प्लस B2। अब देखिए जो A1 है, A1 में देखिए Z है और B2 में देखिए Y है, तो इसका मतलब ये जो भी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है दे आर IR एक्टिव, सो टोटल 3 पीक्स विल बी ऑब्टेंड फॉर दिस अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट के लिए कितने पीक्स हमें मिलेंगे, 3 पीक्स मिलेंगे। अब हम किस पॉइंट ग्रुप की बात कर रहे हैं बच्चों, CS पॉइंट ग्रुप की बात कर रहे हैं, और इस केस में क्या होगा, ये जो कार्बोनिल है देखिए ये इस तरीके से अरेंज होंगे, 2 इक्विटोरियल पोजीशन पर है और एक कार्बोनिल कहाँ पर है, एक्सियल पोजीशन पर। तो अब इस केस में क्या होगा कि अगर मैं इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करूंगी तो आइडेंटिटी अप्लाई करने से तीनों कार्बोनिल अनशिफ्टेड रहेंगे, सो E की वैल्यू कितनी आएगी, 3। अब इसमें एक प्लेन है बच्चों, एक प्लेन है, वो प्लेन कैसा है, वो प्लेन है जो कि इस कार्बोनिल से होता हुआ जा रहा है, ये देखिए ये इस कार्बोनिल, इन दोनों कार्बोनिल के बीच में ये प्लेन है और इस कार्बोनिल से होता हुआ जा रहा है, तो क्योंकि इस कार्बोनिल से होता हुआ ये प्लेन है, ये इन दोनों को बीच में से ऐसे कट करेगा, देखिए देखिए इस तरीके से कट करेगा, तो ये दोनों कार्बोनिल की पोजीशन तो चेंज होगी लेकिन इस कार्बोनिल की पोजीशन चेंज नहीं होगी, इट रिमेन अनशिफ्टेड। तो कितने अनशिफ्टेड कार्बोनिल है, एक अनशिफ्टेड कार्बोनिल, तो एक हमने यहाँ पर लग दिया। अब आप इससे क्या कैलकुलेट करेंगे, दिस इज द करेक्टर टेबल फॉर CS के लिए करेक्टर टेबल है। अब हम इसको रिड्यूस करते हैं, देखिए इस करेक्टर टेबल का ऑर्डर कितना है, 2, 1 एंड 2। तो अब आप ए डैश के लिए कैलकुलेट करिए कितना आ जाएगा, 1/2, अब देखिए 1 × 3 × 1, तो कितना आ गया 3, 1 × 1 × 1, देन ये क्या आ गया 1, तो आपको क्या मिल गया 2, यानी क्या है 2A- है। देन अगर मैं A" को कैलकुलेट करूं तो 1/2, ओके, देन 1 × 3 × 1, ओके, सो 3 एंड -1 × 1 × 1, यानी ये क्या जाएगा 1 एंड इज इक्वल टू A-। तो इसका मतलब है कि ये देखिए 2A1 आएंगे और 1A- आएगा, तो इसका मतलब है कि A- को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए XY लिखा हुआ है, और A" को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर Z लिखा है, मतलब A- और A" दोनों ही IR एक्टिव हैं, इसलिए यहाँ पर कितने पीक्स दिखाई देंगे, 2+1, 3 पीक्स दिखाई देंगे। तो इस तरीके की अगर अरेंजमेंट होगी कार्बोनिल्स की तो कितने पीक्स दिखेंगे, 3 पीक्स हमें दिखाई देंगे। नेक्स्ट जो एग्जांपल हम दे रहे हैं वो है टेट्रा कार्बोनिल का, टेट्रा कार्बोनिल जो कि ट्राइगनल बाईपिरामिडल अरेंजमेंट में अरेंज्ड है। तो देखिए जो कार्बोनिल है वो दो तरीके से अरेंज होंगे, एक अरेंजमेंट ये होगा कि 2 कार्बोनिल एक्सियल और 2 इक्विटोरियल इस तरीके से अरेंज होंगे, और यहाँ पर आप देखिए 3 कार्बोनिल इक्विटोरियल और एक एक्सियल पोजिशन पर अरेंज होगा। अगर ये अरेंजमेंट होगा तो C2V पॉइंट ग्रुप है, देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं ये C2V पॉइंट ग्रुप इसमें है, और इस केस को अगर आप देखेंगे तो ये अगर आप इसको NH3 की तरह दिखाएंगे तो ये इस तरीके से मैं स्ट्रक्चर शो कर सकती हूँ, देखिए ये और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस पर कैसी पॉइंट ग्रुप होगा, C3V। तो दो तरीके के हमें पॉइंट ग्रुप मिले, एक है C2V और एक है C3V। तो पहले हमें क्या पता करना है कि कार्बोनिल्स किस तरीके से अरेंज हैं स्ट्रक्चर में, और उस पर बेस्ड हम क्या बताएंगे कि उसकी पॉइंट ग्रुप क्या है, और उस पॉइंट ग्रुप की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, उसके इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस निकाल सकते हैं। तो ये C2V पॉइंट ग्रुप है और
और सी टू वी पॉइंट ग्रुप के लिए ये करेक्टर टेबल है। तो अरेंजमेंट क्या था बच्चों, अरेंजमेंट हमारे पास जो था वो था एम सी ओ सी ओ सी ओ एंड सी ओ, ये हमारे पास अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट में अगर मैं आइडेंटिटी अप्लाई करूंगी तो चार कार्बोनिल हैं, दे रिमेन अनशिफ्टेड, तो चारों के चारों अनशिफ्टेड रहेंगे, इसलिए यहाँ पर चार वैल्यू आएगी। अब मैं इसमें देखिए सी टू अप्लाई करूँ तो सी टू यहाँ से है बच्चों, अगर मैं इसमें सी टू अप्लाई करूंगी तो आप देखेंगे ये कार्बोनिल यहाँ आ जाएंगे और ये वाले कार्बोनिल यहाँ आ जाएंगे, तो इसलिए कोई भी अनशिफ्टेड कार्बोनिल नहीं है, सी टू इज इक्वल टू जीरो। अब अगर मैं इसमें सिग्मा वी अप्लाई करूँ तो अब सिग्मा वी अगर मैं इसमें अप्लाई करूंगी तो क्या होगा, ये जो दो कार्बोनिल है ये कार्बोनिल क्या है, एक्सियल पोजिशन पर। तो अगर यहां से हम सिग्मा वी अप्लाई करें तो सिग्मा वी इस तरीके से होगी। तो अगर मैं सिग्मा वी अप्लाई करूं तो आप देखेंगे सिग्मा भी एक्चुअली हम इस तरीके से अप्लाई करेंगे, हाँ तो सिग्मा भी ऐसे अप्लाई होगी, ये दोनों कार्बोनिल आएंगे और ये वाला एक तो ये आएगा, ठीक है। तो अगर हम इस सिग्मा भी को देखें तो यहां पर देखिए ये दो कार्बोनिल अनशिफ्टेड है और दो कार्बोनिल की पोजीशन चेंज हो जाएगी। और दूसरा मैंने आपसे कहा कि जो दूसरा प्लेन है वो क्या है, दूसरा प्लेन मैं आपको दूसरे कलर से दिखाऊं, एक प्लेन ये है जो जो एक प्लेन है जो इन दोनों कार्बोनिल से होता हुआ जा रहा है और एक प्लेन है जो इन दोनों कार्बोनिल से होता हुआ जा रहा है। तो जब ये वाला प्लेन जहां पर आप देख रहे हैं जो इक्विटोरियल है उस कार्बोनिल से होता हुआ जाएगा तो ये दोनों कार्बोनिल अनशिफ्टेड होंगी और ये दोनों क्या होंगे, शिफ्टेड होंगी। और ये जो येलो वाला प्लेन है ये इन दोनों कार्बोनिल से होता हुआ अगर जाएगा तो ये तो अनशिफ्टेड रहेंगी और ये दोनों क्या होंगी, शिफ्ट हो जाएंगी इनकी पोजिशन। तो इसलिए आप देखेंगे दोनों केस में दो दो कार्बोनिल जो है अनशिफ्टेड है, इसलिए हमने इसको इस तरीके से दिखाया है। और ये करेक्टर टेबल है, करेक्टर टेबल अगेन आप जानते हैं कि इसका जो ऑर्डर है 4 है। तो अगर हम यहां से कैलकुलेट करेंगे तो फॉर एग्जांपल मैं आपको A1 कैलकुलेट करके दिखाऊं तो A1 क्या आ जाएगी, 1/4, फिर क्या आएगा देखिए 1 × 4 × 1 तो कितना आ गया 4, देन 1 × 0 × 1 ये आ गया 0, ओके, देन 1 × 2 × 1 ये आ गया 2, एंड देन 1 × 2 × 1 देन इट बिकम इक्वल्स टू 2 एंड इट बिकम इक्वल्स टू 2, यानी 2A1 होंगे। तो देखिए 2A1 है, ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा B1 और B2, A2 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अब आप देखिए A1 में Z लिखा है सो इट इज़ IR एक्टिव, देन B1 देखिए इसमें X लिखा है तो इट इज़ IR एक्टिव, B2 को देखिए इसमें Y लिखा है तो ये IR एक्टिव है। सो आप देख सकते हैं कि A1 भी IR एक्टिव है, B1 भी IR एक्टिव है और B2 भी IR एक्टिव है, तो इसलिए हमको कितने पीक्स मिलेंगे, 3 पीक्स मिलेंगे। नो, हमें कितने पीक्स मिलेंगे बच्चों, 4 पीक्स मिलेंगे, ये 3 नहीं मिलेंगे हमें, 4 मिलेंगे। आप देख सकते हैं 2 + 1 + 1, सो टोटल हमें इसके लिए कितने पीक्स मिलेंगे, 4 पीक्स मिलेंगे। अब हम देखिए दूसरा अरेंजमेंट अगर देखें जिसमें कि C3V सिमेट्री थी और वो रिप्रेजेंटेशन कैसा था, एम सी ओ सी ओ एंड सी ओ, ये अरेंजमेंट हमने देखा। तो इस केस में आप देखिए एक लिगेंड यहाँ पर है, एक लिगेंड यहाँ पर है, तो इस केस में अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री तो देखिए आइडेंटिटी पर तो हमें यहाँ पर चार कार्बोनिल्स हैं, चौथा कार्बोनिल यहाँ पर है। तो अगर मैं आइडेंटिटी अप्लाई करूंगी तो देखिए चार कार्बोनिल है तो चार अनशिफ्टेड एटम्स रहेंगे। अब इसमें मुझे क्या अप्लाई करना है बच्चों, C3। अब मैं C3 कैसे अप्लाई करूंगी, देखिए यहाँ से अगर मैं C3 अप्लाई करूंगी तो C3 अप्लाई करूंगी तो ये वाला कार्बोनिल तो अपनी जगह पर रहेगा लेकिन ये तीनों कार्बोनिल शिफ्ट हो जाएगी इनकी पोजिशन, तो एक अनशिफ्टेड CO ग्रुप होगा, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ओके। अब मैं इसमें क्या अप्लाई करूंगी बच्चों, अब मैं इसमें सिग्मा वी अप्लाई करूंगी और आप जानते हैं कि सिग्मा भी C3 में देखिए एक तो इस कार्बोनिल से होता हुआ जाएगा, एक इस कार्बोनिल से होता हुआ जाएगा। तो आप देखिए कि ये सिग्मा भी जब मैं अप्लाई करूंगी तो ये दोनों कार्बोनिल तो अनशिफ्टेड है लेकिन ये दोनों कार्बोनिल शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसे ही एक सिग्मा भी क्या होगी, इससे और इससे होती हुई जाएगी, और एक सिग्मा भी इससे और इससे होती हुई जाएगी। तो ये जो सिग्मा भी होंगी इस केस में हमेशा क्या रहेगा, एक कार्बोनिल ये रहेगा और एक कार्बोनिल ये रहेगा, ये अनशिफ्टेड होंगे और दो कार्बोनिल शिफ्टेड होंगे, इसलिए दो अनशिफ्टेड कार्बोनिल के लिए हम क्या रखेंगे, 2। अब हमारे पास इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन एक करेक्टर टेबल है, देन वी कैन कैलकुलेट द इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस अगेन। तो आप देखिए अगर मैं A1 कैलकुलेट करके आपको दिखाऊं तो A1 क्या आ जाएगा, इसका ऑर्डर कितना है देखिए, 3 + 2 + 1 = 6 इसका ऑर्डर है, ओके। अब आप देखिए 1 × 4 × 1 तो ये क्या हो गया, 4 प्लस 1 × 1 × 2 + 1 × 3 × 2 कितना आ गया, 6 आ गया, ओके। तो ये देखिए ये आ गया 2, यानी 2A1 होंगे,
ओके तो इसी तरीके से आप देखेंगे ए टू जीरो आएगा और ई कितना आएगा, एक आएगा। तो इसलिए हमारे पास जो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आए वो कितने आए, टू ए वन। अब मैं आपको ए टू भी एक बार कैलकुलेट करके दिखा दूं, वन अपॉन सिक्स। अब देखिए वन इंटू फोर इंटू वन, ये आ गया फोर, प्लस वन इंटू टू इंटू वन कितना आ गया टू, प्लस माइनस वन इंटू थ्री इंटू टू माइनस सिक्स, सो इट इज इक्वल्स टू जीरो। और अगर मैं ई कैलकुलेट करके दिखाऊं तो ये है वन अपॉन सिक्स, टू इंटू फोर इंटू वन, तो कितना आ गया एट, देन माइनस वन इंटू टू, ये क्या आ गया माइनस टू, प्लस जीरो, तो ये कितना आ गया देखिए वन। तो इसका मतलब टू ए वन आएंगे और वन ई आएगा। और देखिए ए वन पर जेड लिखा हुआ है और ई पर एक्स वाई लिखा हुआ है, इसका मतलब ए वन भी आई आर एक्टिव और ई भी आई आर एक्टिव है। तो हमको टोटल कितने पीक्स मिलेंगे, थ्री पीक्स मिलेंगे, टू ए वन है और एक ई है। इस तरीके से आप देखेंगे तीन पीक हमें इस तरीके के कार्बोनिल में इसके आई आर में हमें मिलेंगे। इसी तरीके से बच्चों हम क्या डिस्कस कर सकते हैं, पेंटा कार्बोनिल का आईआर स्पेक्ट्रा डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम पेंटा कार्बोनिल को देखें तो इसमें जो पॉइंट ग्रुप है वो D3H है। क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे इसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि C3 है, जो इस एक्सिस से होता हुआ जाएगा, और इसमें एक जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिसमें ये तीन कार्बोनिल और एक मेटल सेंटर है। तो जब एक एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है और इसमें एक सब्सिडरी एक्सिस भी है, यहाँ से तो बच्चों C3 है ओके, और यहां से आप देखेंगे ये जो है वो क्या है C2 है। तो ये सब्सिडरी एक्सिस है, तो इसका ग्रुप क्या है डी है, थ्री इसलिए है क्योंकि मेन एक्सिस थ्री है, और इसमें एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है जिस प्लेन में आप देखेंगे ये चार जो ग्रुप्स हैं, एक M है और तीन CO है, तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसलिए इसका जो पॉइंट ग्रुप है वो क्या है D3H है ओके। तो अगर हम इस मॉलिक्यूल में अप्लाई करें सिमिट्री एलिमेंट्स, तो ये क्या मॉलिक्यूल था देखिए, एम सी ओ सी ओ सी ओ सी ओ एंड सी ओ। तो अब देखिए इसका पॉइंट ग्रुप D3H है, तो पॉइंट D3H की करेक्टर टेबल हमने दिखा दी है, और इसमें क्या होता है देखिए, टू C3 होंगे और थ्री C2 होंगे, टू S3 होंगे और थ्री सिग्मा V होंगे। अब इसमें हमने ये आइडेंटिटी अप्लाई की क्योंकि पांच कार्बोनिल्स हैं तो पांच अनशिफ्टेड कार्बोनिल्स रहेंगे। अब मुझे इसमें C2 3 अप्लाई करना है, तो C2 3 कहाँ से अप्लाई होगा, ये जो एक्सियल पोजीशन है यहाँ पर मैं C3 अप्लाई करूँगी। तो जब मैं C3 अप्लाई करूँगी तो ये दो कार्बोनिल से होती हुई एक्सेस जाएगी, तो ये दोनों कार्बोनिल तो अनशिफ्टेड रहेंगे और ये तीनों कार्बोनिल क्या होंगे, शिफ्टेड होंगे, इसलिए दो कार्बोनिल अनशिफ्टेड हैं, तो C2 क्या आ गया बच्चों, टू आ गया, C3 क्या आ गया, टू आ गया। अब मैं इसमें C2 अप्लाई करूँ, अब मैं C2 इसमें कहाँ से अप्लाई करूँगी, मैं इसमें C2 अप्लाई करूँगी यहाँ से ओके। तो जब मैं इसमें C2 अप्लाई करूंगी तो देखिए ये कार्बोनिल तो अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन ये कार्बोनिल ये और ये अपनी जगह से शिफ्ट हो जाएंगे। तो जब भी मैं C2 अप्लाई करूंगी तो क्या होगा कि केवल एक कार्बोनिल अनशिफ्टेड रहेगा। चाहे मैं यहां से C2 अप्लाई करूं, मैं यहां से भी C2 अप्लाई कर सकती हूँ और मैं यहां से भी C2 अप्लाई कर सकती हूँ। तो जब भी मैं C2 अप्लाई करूंगी तो एक कार्बोनिल अनशिफ्टेड रहेगा, इसलिए यहां पर वन आ गया। अगर मैं सिग्मा वी देखूं तो सिग्मा वी वही होता है जहां C2 होता है, तो यानी अगर मैं यहां से एक प्लेन ऐड करूं तो ये एक कार्बोनिल जो है उस एक्सिस में आएगा जो कि अनशिफ्टेड रहेगा। इसलिए आप देखेंगे कि जब मैं सिग्मा वी अप्लाई करूंगी तो सिग्मा वी अप्लाई देखिए कहां से है, सिग्मा वी है कि मैं आपको फिर से ड्रॉ करके दिखाती हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए एम सी ओ सी ओ सी ओ सी ओ एंड सी ओके। तो इस तरीके से अगर मैं इसमें आपको सिग्मा वी दिखाना चाहूँ तो सिग्मा वी क्या है बच्चों, सिग्मा वी है जो इनसे होता हुआ जाएगा, ये सिग्मा वी है और इन दोनों सीओ के ये बीच में होगा। तो आप देखिए ये जो सिग्मा वी है वो तीन कार्बोनिल से होता हुआ जाएगा, तो ये तीन कार्बोनिल तो अनशिफ्टेड रहेंगे जबकि ये दोनों कार्बोनिल क्या रहेंगे, शिफ्टेड रहेंगे। इसी तरीके से एक सिग्मा वी यहाँ पर होगा जो इस कार्बोनिल और इन दोनों कार्बोनिल से होता हुआ जाएगा, और तीसरा सिग्मा वी क्या होगा जो इस कार्बोनिल और इन दोनों कार्बोनिल से होता हुआ जाएगा। इसलिए आप टोटल ओवरऑल देखेंगे कि तीन अनशिफ्टेड कार्बोनिल्स होंगे जब मैं सिग्मा वी अप्लाई करूंगी, और जब मैं सिग्मा एच अप्लाई करूंगी तो सिग्मा एच कौन सा है, सिग्मा एच है ये वाला,
जहां पर आप देख रहे हैं कि ये इस सिग्मा एच में ये तीन कार्बोनिल और एक मेटल जो है वो एग्जिस्ट करेगा, इसलिए ये तीन कार्बोनिल तो अनशिफ्टेड रहेंगे और ये दोनों कार्बोनिल क्या होंगे, शिफ्टेड होंगे। तो आप देखेंगे कि सिग्मा एच भी क्या आएगा, थ्री आएगा, और जो एस थ्री है वो जीरो है, एस थ्री क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ओके, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये हमें एक इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मिल गया। ये हमारे पास करेक्टर टेबल है, तो हम इन दोनों के हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगेन आप देखेंगे पॉइंट ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो जो ऑर्डर है वो 12 है, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिला, अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें आ गया है, तो हमें मिला ई डैश एंड ए टू डैश। तो ये हमें इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा इन दोनों को जब हम सॉल्यूट करेंगे, जब इनका सॉल्यूशन करेंगे तो हमें ये दोनों मिलेंगे। अब इसमें आप देखिए ई डैश में एक्स वाई है और ए टू डैश में जेड है, इसका मतलब है कि ये दोनों के दोनों कैसे हैं, आईआर एक्टिव है। तो इसका मतलब है कि एक और दो दोनों आईआर एक्टिव हैं, तो इसलिए हमें कितनी पीक दिखाई देंगी इसके वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में, 2 पीक्स हमें इसमें दिखाई देंगी। इसी तरीके से हम डाइकार्बोनिल जब ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री में होगा तो उसको भी हम बता सकते हैं कि यहाँ पर जो अरेंजमेंट है उसमें सी टू वी पॉइंट ग्रुप है, इसमें सी टू वी पॉइंट ग्रुप है, और इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर डी थ्री एच पॉइंट ग्रुप है। तो अकॉर्डिंगली वी कैन जस्ट ड्रॉ देयर करेक्टर टेबल फॉर डी थ्री एच एंड सी टू वी एंड वी कैन असाइन द इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन एंड देन वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ आई आर पीक्स पॉसिबल फॉर दीज डाइकार्बोनिल्स। तो वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत आसान हो गया है हमारे लिए। तो इस तरीके से हम ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री के केस में बता सकते हैं कि इन कार्बोनिल्स में कितने पीक समय मिलेंगे। इनके भी हम पॉइंट ग्रुप बच्चों थोड़ा सा ठीक करेंगे, इसका जो पॉइंट ग्रुप है वो है डी थ्री एच। ओके, इसका जो पॉइंट ग्रुप है, जो पहला वाला नंबर है, इसका पॉइंट ग्रुप है सी टू वी, और जो दूसरे नंबर का है इसका पॉइंट ग्रुप है सी एस। तो आप इसको कोशिश करिएगा करने की, अगर हम यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर सी टू वी पॉइंट ग्रुप है वहाँ पर कितने पीक्स आएंगे, तो आप ये जब कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि यहाँ पर आपको 2 पीक्स मिलेंगे, जो कि इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ए वन प्लस बी वन आएगा, यानी 2 पीक्स हमें यहाँ पर मिलेंगे। ओके, अगर मैं सी एस की बात करूँ तो सी एस में जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें ए डैश प्लस ए डबल डैश मिलेगा, और यहाँ पर हमें अगेन 2 पीक्स मिलेंगे। ओके, और अगर मैं डी थ्री एच की बात करूँ तो डी थ्री एच में हमें ए टू डैश इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, मतलब यहाँ पर हमें 1 पीक मिलेगी। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने कंप्लीट देख लिया है, हमें सी टू वी पता है, तो हम इसके ऊपर इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकाल सकते हैं, और उन दोनों की हेल्प से हम ये निकाल सकते हैं कि टोटल कितने इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल हैं, और उनमें से कौन से ऐसे इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हैं जो कि आईआर एक्टिव होंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम किसी भी मॉलिक्यूल का जहां पर कार्बोनिल प्रेजेंट हैं उनके नंबर, उनकी सिमिट्री, उनकी ज्योमेट्री के आधार पर हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ पीक्स कितने वहां पर प्रेजेंट होंगे। नाउ आई विल रिवाइज, अब मैं आपको इसको कंक्लूड करना चाहूंगी कि आपने देखा कि हमने ट्राइकार्बोनिल्स की बात की, ये जहाँ पर जो कार्बोनिल्स हैं वो 3 है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल में, तो इस स्ट्रक्चर का जहाँ पर डी थ्री एच है उसका 1 बैंड आएगा, जहाँ पर सी टू बी सिमिट्री वहाँ पर 3 बैंड आएंगे, जहाँ सी एस सिमिट्री है वहाँ पर आपने देखा 3 बैंड आए थे, जिसको हमने इन टेबल्स की हेल्प से कैलकुलेट किया था। फिर आपने देखा हमने दूसरे तरीके के टेट्रा कार्बोनिल्स पढ़े, जहाँ पर आपने देखा कि ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री में 4 कार्बोनिल अरेंज्ड हैं, एक की जो पॉइंट ग्रुप है वो सी टू वी है जो कि 4 बैंड शो करेगा, और एक का पॉइंट ग्रुप सी थ्री वी है जो कि 3 बैंड शो करेगा। देन हमने पेंटा कार्बोनिल देखा, पेंटा कार्बोनिल के केस में जनरली ये 1 बैंड शो करता है, क्योंकि वैसे तो इसमें 2 तरीके के आप देखेंगे कार्बोनिल्स हैं, बट ये बैंड जो है वो एक ही शो करता है, डी थ्री एच इसमें पॉइंट ग्रुप होता है। और अगर हम डाई कार्बोनिल की बात करेंगे तो 3 इसके अरेंजमेंट हैं, एक सी टू वी है, एक सी एस है, और एक डी थ्री एच है। अगर सी टू पी को हम देखेंगे तो इट विल शो 2 पीक्स, सी एस को अगर हम देखेंगे ये 2 पीक शो करेगा, और अगर हम डी थ्री एच को देखेंगे तो ये 1 पीक शो करेगा। बच्चों करेक्टेड, यहाँ पर मैंने आपको जो कैलकुलेट करके दिखाया वो 1 बॉन्ड नहीं, 1 बैंड नहीं आ रहे हैं, आपने देखा यहाँ पर हमें 2 बैंड्स मिल रहे थे, तो हम यहाँ पर 2 बैंड लिखेंगे, 2 पीक्स हमें यहाँ पर जनरेट हो रही हैं।
और ये है टू बैंड, ये शो करेगा आईआर स्पेक्ट्रम है जिसे हमने यहाँ से कैलकुलेट किया था। देखिए एक ई डैश होगा और एक ई टू डैश होगा। और ऐसा भी क्यों होगा, देखिए दो टाइप के कार्बोनिल हैं, एक कार्बोनिल जो कि इक्विटोरियल पोजीशन पर प्रेजेंट है और दूसरे कार्बोनिल एक्सियल पोजीशन पर प्रेजेंट है। तो ये हमें जो पेंटा कार्बोनिल है ये हमें दो बैंड शो करेगा जिसे हमने पहले ही इसको हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो समरी में जस्ट क्लैरिफाई, जस्ट इम्प्रूव इट, यू कैन करेक्ट इट। बच्चों इसको आपको करेक्ट करना होगा। यहाँ पर जो मैंने अभी कंक्लूजन में कहा कि एक बैंड, इट शोड टू बैंड्स, ओके टू बैंड्स, जिसको कि हमने यहाँ पूरी कैलकुलेशन के थ्रू इसको हमने एक्सप्लेन किया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर हमने ट्राइगनल बाईपिरामिडल मॉलिक्यूल्स में अगर कार्बोनल्स प्रेजेंट होंगे तो उनकी नंबर ऑफ पीक्स कितने उसमें आएंगे वो हमने इसमें स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी नंबर ऑफ पीक्स इन दी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ओके। तो तब तक के लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।